नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियोस में मैंने आधारशिला मॉड्यूल का भाग एक और भाग दो की व्याख्या करके विश्लेषण करके डाल दिया था। इस मॉड्यूल के भाग तीन, चार, पाँच और छः की व्याख्या करना अभी शेष था और बहुत सारे मित्रों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप आधारशिला मॉड्यूल के भाग तीन, चार, पाँच, छः की व्याख्या कीजिए। कई जगह से जो है मैसेज भी आए हैं, अपने ज़िलों के बाहर से भी आए हैं, तो मैं मित्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारशिला मॉड्यूल के भाग तीन, चार, पाँच, छः की व्याख्या एवं विश्लेषण करने चल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस मॉड्यूल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आधारशिला मॉड्यूल भाग तीन, चार, पाँच और छः। ये देखिए आधारशिला मॉड्यूल का भाग तीन है। इसके टॉपिक हैं आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास, क्या, क्यों, कैसे, गणित शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, गणित सीखने सिखाने का क्रम, रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया, गणित की अवधारणात्मक समझ, गणितीय दक्षता विकास के घटक, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, कैसी होगी गणित की कक्षाएँ और संख्यापूर्ण अवधारणाएँ। आइए अब देखते हैं इसके एक एक टॉपिक पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में हर वस्तु की मौजूदगी या तो किसी संख्या में है या मात्रा में। प्राकृतिक से लेकर मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में गणितीय आकार किसी न किसी पैटर्न के रूप में दिखाई देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी करते हैं उसमें किसी न किसी रूप में गणित मौजूद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी दिनचर्या में कब गणित का उपयोग नहीं करते? तो गणित केवल संख्याओं के साथ गणना करना ही नहीं, व्यवहारिक जीवन की अधिकांश क्रियाओं में गणित की जरूरत पड़ती है। गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है, जैसे क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, तथ्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। ये कौशल हैं जिसका विकास होता है गणित के अध्ययन द्वारा। तो इस प्रकार हमारे अंदर गणितीय भाषा की समझ बनती है। गणित हमें सोचने का नज़रिया देता है जिससे हम अपने परिवेश को समझते हुए दैनिक जीवन की समस्या को हल करने की क्षमता पाते हैं। अब देखिए इसको देख लीजिए, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आरंभिक स्तर पर गणित के केंद्रिक लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं? बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं को उपयोग करते हैं। बच्चे किसी संख्या या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो गणित पर आधारित जो आपकी लर्निंग आउटकम की जो अभी परीक्षा जो चल रही है आधारशिला मॉड्यूल, तो इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे केंद्रिक लर्निंग आउटकम। हर एक केंद्रीय लर्निंग आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम है जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। देखिए गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। अवधारणाएँ अमूर्त होती हैं चाहे विषय कोई भी हो। गणितीय अमूर्तता को मूर्त ठोस चीज़ों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। जब मूर्त को अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण के तरीकों से कई बार गणित अमूर्त प्रतीत होने लगता है। शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक तौर पर तरह तरह की चीज़ों से खेलते हैं, उन्हें जमाते हैं, बिगाड़ते हैं और फिर से जमाते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सारी इंद्रियाँ सचेत होती हैं और वह उनके सहारे मात्राओं को टटोलते व समझाते हैं। यहीं से शुरू होती है गणित सीखने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं ELPS की।
ELPS के बारे में भी पूछा जाएगा, जो परीक्षा हो रही है उसमें ELPS के बारे में भी पूछेंगे। ELPS क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। तो एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास। लैंग्वेज, वस्तुओं के साथ क्रियाएं करते हुए दैनिक जीवन के विविध संदर्भों से जुड़ी भाषा का प्रयोग। फिर पिक्चर है, चित्रों के साथ कार्य वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीके से तुलना करना। फिर बात करते हैं सिंबल की, संकेत, मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ प्रतीकों का प्रयोग। ये है मित्रों ELPS, गणित में ELPS का प्रयोग। रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। गणित सीखने में समझना महत्वपूर्ण है। समझने के लिए अनेक प्रकार से अभ्यास करना होता है। अभ्यास समझ और कौशल को बढ़ाते हैं। अभ्यास में नवीनता, क्रिया को करने की सार्थकता, सक्रियता, समझ और तर्क के साथ काम करने की गुंजाइश होती है। अभ्यास का एक सबल पक्ष यह भी है कि इसमें बच्चों की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करता है। तो इसको भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। तो गणित शिक्षण में प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं और बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। गणित में समझ पर जोर होता है, अतः बच्चे गणित का अर्थ समझने के लिए एक क्रिया की अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपने तरीकों से सवालों के उत्तर निकाल सकते हैं। कक्षा में शिक्षक किसी क्रिया की एक पद्धति प्रस्तुत करता है, परंतु बच्चों पर एक ही पद्धति नहीं लादी जानी चाहिए। बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि वह सवालों को हल करने के अपने तरीके ईजाद कर सकें। अब आपके सामने एक चार्ट है, गणितीय दक्षता विकास के घटक। तो इस पर ही प्रश्न बनते हैं कि गणितीय दक्षता विकास के घटक कौन कौन से हैं। तो पहला देख रहे हैं कि बातचीत के तरीके स्वरूप, परिवेशी जानकारी, व्यवहारिक अनुभव, संदर्भों पर, ठोस वस्तुओं के प्रयोग पर, चित्रों पर कार्य के दौरान और समझ पर आधारित। फिर इधर है गणित सीखने सिखाने का क्रम, ELPS। ई फॉर ठोस वस्तुओं से अनुभव, एक्सपीरियंस। एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग। पी फॉर पिक्चर यानी चित्रों का इस्तेमाल। एस फॉर प्रतीक यानी संकेतों का उपयोग। इसके सहारे गणित शिक्षण और गणित की प्रक्रिया को सिखाने का क्रम है ये। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से देखें। सामान्यतः 40 मिनट की शिक्षण योजना का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है। गणित शिक्षण के चरण, ठोस वस्तुओं के साथ कार्य। समय है 10 मिनट। बच्चों द्वारा कंकड़ों की ढेर इकट्ठा करवाएं। हर बच्चा 10-15 कंकड़ लाए। इस बीच शिक्षक को कुछ चिट तैयार करने होंगे। हर चिट पर छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, लंबा, पतला इत्यादि में से एक शब्द लिखा हो। हर बच्चा अब अपने अपने कंकड़ों की ढेरी रख ले। शिक्षकों के कहने पर बच्चा कोई एक कंकड़ निकाल ले, फिर शिक्षक चिट निकाले और उस पर लिखा शब्द पढ़े, जैसे भारी। अब सभी बच्चे अपने ढेर में से वो कंकड़ निकालें जो पहले निकाले गए कंकड़ से भारी हो। यह प्रक्रिया 4-5 बार दोहराई जाए जब तक सभी बच्चे खेल को अच्छे से समझ जाएं। फिर आता है ठोस वस्तुओं के साथ किए गए अनुभवों के बारे में बातचीत। इसके लिए 10 मिनट है। बच्चों से चर्चा या समूह में हो सकता है। ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करते हुए शिक्षकों के मध्य वार्तालाप। क्या हर निर्देश के अनुसार कंकड़ मिले? क्या हर बार निकाले गए कंकड़ों की गिनती एक समान थी? कैसे जाना कि कोई कंकड़ दूसरे से बड़ा, हल्का या भारी है? हर बार कंकड़ ढूंढने में कितना समय लगा? अगर तेज़ी से करना हो तो क्या करोगे? कंकड़ को कैसे पहचानोगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षण योजना दिख रही है। चित्रों पर कार्य 10 मिनट। पहले की गई गतिविधि को एक बार फिर दोहराया जाए। इस बार यह कार्य कक्षा में मौजूद चित्रों या पाठ पुस्तक में बने किसी संदर्भ चित्र के साथ कराएं। प्रक्रिया वही रहेगी, पर इस बार संदर्भ चित्र में से शब्द बोलने पर बच्चे चित्र की पहचान कर बताएंगे। फिर प्रतीकों पर कार्य 10 मिनट। क्या दूसरी बार खेलने से पहले से आसानी हुई? ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी समूह ने अपनी ढेरी को किसी रूप या क्रम में जमाया? यही खेल प्रतीकों के माध्यम से बनाएं। कक्षा में मौजूद चीज़ों में से पेंसिल से बड़े हर चीज़ के लिए एक गोला और छोटे के लिए चौकोर। फिर गोला और चौकोर को गिनवाएं और उस संख्या के प्रतीक से जोड़ें। ठोस वस्तुओं को बार बार गिनकर जोड़ने और घटाने के लिए प्लस और माइनस के प्रतीक चिन्हों को बताएं। तो इस तरह से जो है गणित में ELPS का प्रयोग किया जा सकता है। फिर बात करते हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं। बच्चों का संख्याओं
बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना है, संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ जरूरी है, इसलिए गिनती सीखने से पहले उन्हें गिनना, वर्गों में बांटना, क्रम से लगाना और एक एक की संगत के साथ जमाने की समझ होना बहुत जरूरी है। इन क्षमताओं को संख्या पूर्व अवधारणाएँ कहा जाता है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। गिनती सीखने से पहले बच्चों में इन कौशलों का विकास आवश्यक है। तुलना करना, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दायां बायां, दूर पास, समूहीकरण और वर्गीकरण, क्रम और अनुक्रम बनाना, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम सूचक एवं मात्रा सूचक संख्याएं, ये अवधारणाएं गणित सीखने की बुनियाद होती हैं। इन अवधारणाओं की सही समझ होने से आगे चलकर गणित की विविध संक्रियाओं और अवधारणाओं का सीखना आसान हो जाता है। ऐसे अभ्यासों से बच्चों का गणित विषय में रुचि भी बढ़ती है। उसके बाद देखिए, इसी जो है भाग में एक प्रेरणा तालिका दी हुई है और इस तालिका में लक्ष्य हैं, आकलन संकेतक हैं, आकलन हेतु संभावित तरीके और प्रश्न हैं, इनका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। जैसे लक्ष्य है संख्याओं, अवधारणाओं, तुलना, समूहीकरण, वर्गीकरण, एक से एक की संगत की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक इसके क्या हैं? अपने आसपास मौजूद चीज़ों में छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कम ज़्यादा, बराबर को पहचान लेते हैं और उनके आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। बच्चे दिए गए दो चित्रों में से अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे दी गई वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे प्रदर्शित चित्र में अलग अलग दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। बच्चे अधिक व कम वस्तु वाले चित्र में अंतर कर लेते हैं। बच्चे समान संख्या में रखी वस्तु वाले चित्रों के बीच मिलान कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक है, इससे जो है अगर बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित हो गई है तो आकलन हेतु संभावित तरीके और प्रश्न भी हो सकते हैं। लंबे को घेरे, सबसे छोटे को घेरो, कौन हल्का कौन भारी वस्तु देखकर पता करें, गिनी और नहीं गिनी हुई वस्तुओं को बताओ, वस्तुओं को गुणों के आधार पर अलग अलग कराएं, वस्तुओं और चित्रों को अलग अलग जोड़ी बनाएं, वस्तुओं को मिलाकर गिनती करवाएं। तो ये आकलन के लिए आप इस तरह के प्रश्न जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपने भाग तीन में देखा कि गणित के जितने भी जो है चैप्टर होते हैं, गणित के जितने भी जो है गणित में जो भी पाठ्यक्रम है, हर पाठ्यक्रम पर आधारित बहुत सारी गतिविधियां यहां पर दी गई हैं, तरीके दिए गए हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल का आप अध्ययन कर लीजिएगा। गणित के हर पाठ का जो है कुछ ना कुछ 5-6 गतिविधियां इस मॉड्यूल में निहित हैं। अब आइए भाग चार की बात करते हैं। कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशी अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियाँ। कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषय, लर्निंग आउटकम तथा भाषाई कौशल विकसित करने के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। कक्षा 3, 4 में गणित विषयक लर्निंग आउटकम तथा गणितीय दक्षता विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। कक्षा 3, 4, 5 में परिवेशी अध्ययन विषयक लर्निंग आउटकम तथा परिवेशी समझ विकसित करने के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। ये जो है भाग चार में दी हुई हैं। भाग चार जो है विशेष रूप से कक्षा 3, 4 और 5 से संबंधित है और उसके पहले आपका भाग 1, 2, 3 जो था वो कक्षा 1, 2 से संबंधित था। तो भाग 4 का भी आप अध्ययन कर लीजिएगा कि किस प्रकार से बच्चों में भाषा और गणित की समझ विकसित की जाए। इसमें भी बहुत सारी गतिविधियाँ दी गई हैं। देखते हैं अगर कुछ विशेष महत्व की चीज़ है तो मैं आपसे ज़रूर उस पर चर्चा करूँगा। देखिए, ये परिवेशी अध्ययन है, इस पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। वास्तव में परिवेशी अध्ययन के आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनसे गुजरते हुए बच्चा अपने आसपास या परिवेश के हालात को समझकर परिवेश के साथ अपना रिश्ता समझ सके। इस रिश्ते को बल देने के लिए बच्चा अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से तय कर सके। जब बच्चा परिवेश के साथ अपने रिश्ते और भूमिका की पहचान कर पाता है तब खुद ब खुद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे परिवेश के प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव के मौके उपलब्ध कराए जाएँ। बच्चे नदी, तालाब, बाग, बगीचों, खेत खलिहान, बाजार, हाट जाएं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों, कीट पतंगों को नज़दीक से देखें, उन पर छोटे बड़े समूह में चर्चा करें, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग से गुजरे ज़माने की किस्से कहानियां सुनें, विभिन्न तीज त्यौहारों में अपनी भागीदारी निभाएं। क्या हमारी वर्तमान कक्षाओं में यह संभव है? शायद नहीं या काफ़ी सीमित रूप से। शायद हमें अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के स्वरूप पर नए सिरे से विचार करना होगा। बच्चों के लिए ऐसे अवसर बनाने होंगे जिसमें उन्हें कक्षा से बाहर जाने और परिवेश को नज़दीक से देखने के मौके मिल सकें। ऐसा कार्य गतिविधियां नियोजित विकसित करनी होंगी जिनसे वह कक्षा के बाहर अनुभव और ज्ञान पर कक्षा के अंदर कार्य कर सकें, उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार कर सकें।
परिवेशी अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। किसी लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाने का मतलब है कि वह शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित हो। परिवेशी अध्ययन शिक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों के आउटकम दिए जा रहे हैं। केंद्रिक फोकल लर्निंग आउटकम, यह आउटकम परिवेशी अध्ययन के चार बुनियादी वृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवेश की जानकारी दर्ज कर समझ पाना, विभिन्न कौशलों को विकसित कर प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाना, परिवर्तनों के पीछे कारण जानना परखना और सामाजिक शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार जानना। तो ये चार यहाँ लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। बच्चे अवलोकन के आधार पर अपने परिवेश की जानकारी दर्ज कर पाएंगे व अन्य परिवेशों के बारे में दर्ज की गई अवलोकन आधारित जानकारी को समझ पाएंगे। बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों की खोज कर पाएंगे। बच्चे समय, समाज, भूगोल व संस्कृत में हो रहे परिवर्तनों से परिचित होंगे व तर्कसंगत तरीके से उनके पीछे के कारणों को जानने की ओर बढ़ेंगे। बच्चे सामाजिक, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार जानने की ओर बढ़ेंगे। ये केंद्रिक फोकल लर्निंग आउटकम है। फिर नेस्टेड आउटकम है। हर एक केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम है जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। इन्हीं आउटकम के आधार पर शिक्षण प्रदर्शन के मानक और सूचक भी विकसित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत उससे जुड़े नेस्टेड आउटकम दिए गए हैं। यहाँ उदाहरण के लिए दो नेस्टेड आउटकम दिए जा रहे हैं। जैसे अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हैं और किए गए अवलोकन के आधार पर आसपास मौजूद जन जीवन, प्राणियाँ, वनस्पति, वस्तुओं, क्रियाओं, व्यवहार, रहन सहन, पहनावे आदि के बारे में वर्णन करते हैं। प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक अंशों का वर्गीकरण, समूहीकरण, विश्लेषण आदि कर उन पर चर्चा, वर्णन, तर्क एवं अभिव्यक्ति कर पाते हैं। अब बात करते हैं परिवेशीय अध्ययन में EREC का प्रयोग। EREC इस गतिविधि के लिए कुछ पुराने अखबारों की जरूरत पड़ेगी। शिक्षक बच्चों को समूह वार अखबार दे सकते हैं और उन्हें निर्देश देंगे कि वे अखबार की खबरें कौन से शहर या गांव की हैं पहचानें। समय 6 से 8 मिनट, बैठक व्यवस्था पूरी कक्षा। फिर R के अंतर्गत E मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव। R का मतलब चिंतन, रीजनिंग, रीजन। बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से शहर या गांव की खबरें सबसे ज़्यादा हैं, क्यों, क्या आपके गांव की कोई खबर छपी है, क्या और क्यों या क्यों नहीं, आपके गांव की ऐसी क्या विशिष्टता है जो अखबार में छापी जा सकती है। 8 से 10 मिनट पूरी कक्षा। फिर ये आता है अनुप्रयोग। आपके गांव में एक सेकेंडरी स्कूल या एक क्लिनिक या एक पक्की सड़क या एक बाज़ार बन सकता है। समूह में चर्चा करें कि क्या बनना चाहिए। ये भी 10 से 12 मिनट समूह कार्य है। फिर C का मतलब है कंक्लूजन। हर समूह अपने विचार साझा करेगा और दूसरे समूह उसकी पुष्टि कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। सभी के विचार साझा होने पर पूरी कक्षा बताएगी कि किसके तर्क सटीक और सही थे। इस विषय पर प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जा सकता है। बच्चों से कहा जा सकता है कि वे खोजें कि उनके गांव में सड़क, स्कूल, बाजार के निर्माण जैसे निर्णय कौन लेता है, यह निर्णय किन आधार पर लिए जाते हैं, किन लोगों से बातचीत होती है, अगर वे एक महत्वपूर्ण पद पर होते तो क्या करते। तो इस पर जो है 6 से 8 मिनट तक ये गतिविधि कराई जा सकती है पूरी कक्षा। तो इस प्रकार से परिवेशी अध्ययन में EREC का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो भाग 4 में मित्रों आपने देखा कि कक्षा 3, 4, 5 के लिए भाषा और गणित की दक्षता का विकास एवं परिवेशी अध्ययन से संबंधित है और बहुत सारी गतिविधियां दी हुई हैं, लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। इनका भी आप समय रहते जो है अध्ययन कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट आप अध्ययन करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब भाग 5 की चर्चा करते हैं। भाग 5 में है आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन, भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार, कक्षावार, संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार, कक्षावार, संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र। यानी इसमें पूरा आकलन प्रपत्र ही दिया हुआ है। आइए देखते हैं भाग 5।
ये देखिए बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का इस तरह से आपको बनाना है। पहला क्रम संख्या है, दूसरे में छात्र छात्रा का नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखे हैं, बच्चे परिचित वस्तुओं चित्रों के नाम बता पाते हैं, बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन करते हैं, बच्चे सुनी हुई कविता कहानी पर सरल शब्दों में उत्तर देते हैं, बच्चे सरल कविता को हाव भाव के साथ सुनते हैं, बच्चे अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, बच्चे अपने परिवेशी अनुभवों को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। ये इतनी इसमें दक्षताएं हैं और आपको जो है इस पर बच्चों का आकलन करना है और उनके सामने जो है महीने का नाम लिखना है, कौन सा बच्चा किस किस महीने में कौन सी दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इस तरह बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र आप बना सकते हैं। फिर ऐसे ही कक्षावार विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र दिया है। विषय भाषा कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, विद्यार्थियों की संख्या 45, तो क्रम संख्या, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे, फिर महीनों का नाम लिखेंगे और हर महीने आप जब बच्चों का आकलन करेंगे तो किसी विशेष दक्षता में कितने बच्चे जो है आपके आकलन के अनुसार कितने बच्चे सफल हुए उसकी संख्या लिखेंगे और बटे पूरी संख्या को लिखेंगे, जैसा इस सारणी में दिखाया गया है। इस तरह से आप कक्षावार विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे भाषा का है वैसे गणित का भी आप बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का बना सकते हैं। आप दक्षताओं को लिख लीजिए, बच्चों का नाम लिख लीजिए और कौन सा बच्चा किस महीने में कौन सी दक्षता प्राप्त कर लिया है उस बच्चे के सामने और उस दक्षता के नीचे उस महीने का नाम आपको लिखना है। फिर बात करते हैं भाग 6 की। भाग 5 में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के आकलन प्रपत्र हैं, बच्चों का आकलन कैसे किया जाए। अब भाग 6 बता रहा है कि शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार, शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना, मेरे स्वयं की शिक्षण संदर्शिका, फाउंडेशन लर्निंग शिविर, दैनिक समय सारणी, फाउंडेशन लर्निंग शिविर साप्ताहिक कार्य योजना, कक्षा 1-2 हिंदी गणित, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र, विषयवार कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र। तो मित्रों इस भाग में जो है विभिन्न प्रकार के आकलन प्रपत्र और जो है साप्ताहिक कार्य योजना दैनिक कार्य योजना दी गई है। आपको जो है ये मॉड्यूल अध्ययन करना पड़ेगा और यहाँ से जो है आप विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र दिए गए हैं उनका नमूना आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उस नमूने को जो है आप प्रिंट करा सकते हैं और वैसा नमूना बना करके आप अपने साथ रखेंगे और अपनी कक्षा में जो है मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे और उन प्रपत्र को समय समय पर आपको भरना होगा। और जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर या जो है ध्यानाकर्षण शिविर है उसकी भी जो है इसमें समय सारणी दी गई है, उस समय सारणी को जो है आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार ही आपको ध्यान आकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करना है। इस भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना, अपने खुद के विकास की योजना क्या है। आप बदलिए, बदलाव के लिए यह कहना या सुनना काफ़ी नहीं है, अगर बदलने का कोई ठोस कारण ना हो तो कोई भी नहीं बदलता। तो हम क्या करें कि शिक्षक के रूप में हमें अपने अंदर से बदलने की ज़रूरत महसूस हो, बदलने का कारण मिले। क्या है बदलाव आइए जानते हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना या हासिल करना ही बदलाव है, यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। ध्यान रहे हम यहाँ शिक्षा में सकारात्मक बदलावों की चर्चा कर रहे हैं। बदलाव को हम 3 रूपों में पहचान सकते हैं। पहला है ऐसा कुछ हासिल कर लेना जो पहले हमारे पास नहीं था, या ऐसा करने लगना जो पहले हम नहीं कर पाते थे। यह भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक 3 रूपों में हो सकता है। स्कूल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर हो जाना, शिक्षण प्रक्रिया में ICT का प्रयोग करना, बच्चों से मुस्कुरा के बात करना, ये 3 स्वरूपों के उदाहरण हो सकते हैं। फिर दूसरा है पहले से उपलब्ध चीज़ों या पहले से हो रही प्रक्रियाओं और तरीकों में सुधार करना। स्कूल में टूट फूट मरम्मत होना, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ जाना, पुस्तकालय रख रखाव और उपयोग में बच्चों की भागीदारी बढ़ना, शिक्षण में बच्चों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से जुड़ाव बढ़ना आदि। ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं थी उनका हटना, या ऐसी प्रक्रियाओं जो बच्चों के सीखने के लिए ठीक नहीं थे उनका बंद होना भी एक प्रकार का बदलाव है। तो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव या सुधार के तरीके, किसी स्कूल भव्य और सजावटी इमारत का नाम नहीं है,
स्कूल किसी भव्य और सजावटी इमारत का नाम नहीं है। किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में तीन पहलू सम्मिलित होते हैं। हर एक पहलू में किए गए सार्थक बदलाव किसी संस्था के विकास के लिए जरूरी है। पहला है संबंध। स्कूल कई प्रकार के संबंधों का ताना बाना है। हर एक स्तर पर सहज संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाते हैं, चाहे गए परिणाम की ओर सहजता से ले जाते हैं। स्कूल में नीचे दिए गए सभी स्तरों पर बेहतर संबंध होने चाहिए। बेहतर संबंधों के बीच होने वाली शैक्षिक प्रक्रियाएं स्कूल को बेहतर बनाने में सर्वाधिक मददगार होती हैं। तो मित्रों, नीचे दिए गए हैं बेहतर संबंध बनाने के तरीके, आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। फिर इस भाग में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका। कोई भी मॉड्यूल या प्रशिक्षण हमारे शिक्षण सुधार में तभी मदद कर सकता है, मदद कर पाता है, जब वहाँ से सीखी गई चीज़ों को हम अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर लागू करते हैं। यह तभी संभव है जब हमें अपने परिवेश के साथ साथ स्वयं की स्थितियों परिस्थितियों का ठीक से ज्ञान हो। तो अपनी स्वयं की शिक्षक संदर्शिका बनाने का यह कतई आशय नहीं कि आप एक बृहद मॉड्यूल बनाएं। अपने शिक्षण तरीकों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल की परिस्थितियों के बारे में और स्वयं के बारे में सोचते रहने और उनमें वांछित सुधार करते रहने से आपकी शिक्षण संदर्शिका स्वतः ही विकसित होती रहेगी। आगे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, इन पर सोचें, इनके उत्तर लिखते रहें, वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते रहें। बस इसी कार्य को नियमित बनाए रखना है। मेरा बचपन और सीखना सिखाना सवाल जवाब। मेरे प्राइमरी स्कूल के दिनों में मुझे क्या करना अच्छा लगता था? आपका क्या जवाब होगा? मुझे क्या करना बहुत बुरा या ख़राब लगता था? दोस्तों, मॉड्यूल के इस भाग में आपके लिए ढेर सारे प्रश्न हैं, इनके जवाब आपको लिखने हैं। इससे आपकी जो है स्वयं के अंदर बदलाव आएगा। फिर आप देख सकते हैं, ये फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी दी हुई है, इसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना दी है, इसका भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। फिर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये दिए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, इनके उत्तर क्या होंगे, क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि शिक्षकों के उपयोगार्थ विकसित हस्त पुस्तिकाएँ, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसका आंसर दिया है, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह, शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ किस प्रकार एक दूसरे की पूरक हैं, ये भी प्रश्न है। तो इस तरह से दिए गए हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। फिर बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र, यहाँ पर भी एक लेखक, बारबियाना स्कूल के 8 बच्चे जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है, उन्होंने अध्यापक के नाम एक पत्र लिखा है, इसको भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। फिर कक्षा शिक्षण के दौरान इन्हें ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, इसकी भी एक जो है यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार मित्रों, आपने देखा कि आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3, 4, 5 और 6 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये सारी चीज़ों को वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसको आराम से धीरे धीरे करके अध्ययन कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं तथा दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।